ओम शांति, ओम शांति। कल जब आप सब आए, आप सबका वेलकम फूल से किया गया। फूल का बैच मिला ना आप सबको, कैसा लगा आपको जब वो बैच मिला था? बैच भी फूल का मिला, ब्लेसिंग कार्ड भी फूल का मिला, बुके भी फूल का। तो जब फूल मिलता है तो कैसा लगता है? अच्छा लगा। और जबकि वो फूल था भी किसका, रियल भी नहीं था, कागज का था या ऐसे कपड़े का बना हुआ था, तो भी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आप में से तो कईयों ने उस बैच को उतारा रात को, फिर आज कॉस्ट्यूम चेंज करके वापस बैच पहन लिया, तो कितना ही अच्छा लगा होगा ना। तो जब फूल मिला तो इतना अच्छा लगा, अगर फूल बन जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। फूल मिला तो बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा? क्यों हमने वो बैच उतार कर वापस आज सुबह ड्रेस पहना, वापस वो बैच पहन लिया? क्यों? क्योंकि जिस समय मिला था उस समय क्या अनुभव हुआ था? जिस समय मिला था उस समय क्या अनुभव हुआ था? तो एक्चुअली वो फूल की बात नहीं थी, पर जिस समय आपको किसी ने वो फूल दिया था तो एक वाइब्रेशन भी आपके पास आया था। वो सिस्टर जब मुझे बैच पहना रही थी तो उसने धीरे से कहा, तनुजा बहन ने अपने हाथ से बनाया है। तो वो फूल की वैल्यू नहीं थी, लेकिन जिस समय उन्होंने वो चीज़ हाथ से बनाई होगी, एक एक बैच किसी ने बैठकर हाथ से बनाया होगा, तो उसमें क्या गया? वाइब्रेशन। हमारे घर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, देश के दूर दूर कोने से आ रहे हैं। जब वो आए तो उनको वेलकमिंग फील होना चाहिए, उनको अच्छा लगना चाहिए, उनको वार्म फील होना चाहिए। वो वाइब्रेशन था। और कल जब आप आए तो आपको सिर्फ फूल नहीं मिला, वो वाइब्रेशन भी साथ में मिला, और वो वाइब्रेशन की छाप रह गई, बिकॉज वी आर वेरी सेंसिटिव टू फीलिंग्स। और वो वाइब्रेशन की छाप रह गई, और हम में से आज फिर जब किसी ने वापस वो फूल देखा तो हमें वो वाला मोमेंट याद आ गया और हमने वापस पहन लिया। ऐसे ही होता है, क्योंकि उसके साथ एक सुंदर सी फीलिंग कनेक्टेड थी। फूल इतना वैल्यूबल नहीं था, जितनी वैल्यूबल उसके साथ जो फीलिंग थी वो थी। अब आप सोचो, फूल मिला तो इतना अच्छा लगा, अगर हम फूल बन जाएंगे, और फूल बनने का मतलब क्या है? फूल बनने का मतलब क्या है? फूल क्या करता है? खुशबू फैलाता है। किसको? ये वाला इम्पोर्टेंट है। खुशबू फैलाता है वाला इजी था। किसको? आईटी प्रोफेशनल के हाथ में जाएगा तो भी खुशबू, योगी के हाथ में आएगा तो भी खुशबू, क्रिमिनल के हाथ में जाएगा तो मतलब फूल की क्वालिटी है ना खुशबू देना, तो वो अपनी क्वालिटी नहीं छोड़ता है, इररिस्पेक्टिव उसके सामने कौन है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, साधारण व्यक्ति है, कोई सेंट है, क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसकी क्वालिटी है खुशबू देना, चाहे सामने कोई भी आ जाए, चाहे वो रेगिस्तान में हो, चाहे वो बगीचे में हो, चाहे वो कीचड़ में हो, फूल क्या करेगा? खुशबू देगा। मेरी क्वालिटी क्या है? मेरी क्वालिटी क्या है? फूल की क्वालिटी हमें पता है, खुशबू देना। मेरी क्वालिटी क्या है? आज सुबह का सेशन हुआ था आपका, हुआ है माय, तो मेरी क्वालिटी क्या है? पीस, लव, हैप्पीनेस, नॉलेज, प्योरिटी। देखो वाह, इतना मुझे याद है ना, क्योंकि आज सुबह सुना था। यस, वंडरफुल वंडरफुल जी।
सो पीस लव हैप्पीनेस प्योरिटी नॉलेज ये सब किसकी क्वालिटी है मेरी क्वालिटी है तो पीस चाहिए शांति चाहिए कि शांति है आई एम अ पीसफुल बींग कि आई वॉन्ट पीस ढीला ढीला आंसर था सुना तो है लगता तो है लेकिन फिर भी फील तो होता नहीं है तो क्या कहेंगे है कि चाहिए दोनों में से चूज तो करना पड़ेगा ना है कि चाहिए है तो फिर तो सेशन ही पूरा हो गया अच्छा है और चाहिए ये अच्छा है भी और चाहिए तो और कहाँ से मिलेगी और कहाँ से मिलेगी कोई चीज़ आपके पास है और चाहिए जैसे आपके पास एक फ़ोन है अब आपको और चाहिए तो आपको बाहर से ख़रीदना पड़ेगा ना ऐसे तो होगा आपके पास एक घर है एक और चाहिए आपको ख़रीदना पड़ेगा आप कह रहे हैं शांति ऑलरेडी है और चाहिए ठीक है और चाहिए कहाँ से मिलेगी कहाँ से खरीदे जो सारी चीज़ें हैं वो और बढ़ानी है तो बाहर से खरीदनी पड़ेगी शांति प्यार और खुशी बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा ये और नहीं खरीदना पड़ेगा इसको क्या करना पड़ेगा देना पड़ेगा वो और लेने से बढ़ता है और ये रेडिएट करने से बढ़ता है जब मुझे ये याद रहता है कि आई एम अ पीसफुल बीइंग और फिर हम सारा दिन ये पीस रेडिएट करते हैं तो ये और बढ़ता चला जाता है तो इसमें हाथ ऐसा वाला नहीं होता है इसमें हाथ कैसा वाला चाहिए देने वाला